अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति नागपुर जिले की ओर से किसान विरोधी तीनों काले कानून को रद्द करे सरकार, इस बात को लेकर संविधान चौक में आंदोलन किया गया। इस मौके पर तमाम बड़े पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति नागपुर जिले की ओर से किसान विरोधी तीन काले कानून को रद्द करे सरकार, इस बात को लेकर संविधान चौक में आंदोलन किया गया। इस मौके पर जनता दल सेक्युलर, CPI, CPM, आम आदमी पार्टी, SUCI, फॉरवर्ड ब्लॉक, बीजोत्सव, दक्षिणायन, कांग्रेस, किसान मोर्चा आदि के तकरीबन सैकड़ों आंदोलनकर्ताओं ने भाग लिया। बिजली बिल विधेयक 2020 को रद्द करे, खेती के फसल को आने वाले खर्चे के दाम डेढ़ गुना मिलना चाहिए और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के गोडाउन तथा कोल्ड स्टोरेज के साथ सक्षम करे आदि मांगे की गई। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने NDCN समक्ष जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा तीन जो विधेयक बनाए गए है उसे काला कानून का करार रद्द दिया गया है। आज हम आपको बता सकते हैं कि संविधान चौक पर इस समय में NDCN की टीम खड़ी है और पूरे देश भर के जो पार्टियां हैं उसके जो सभी कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में यहां पे मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इसे काला कानून क्यों कह रहे हैं इस समय में। सर आओ बताइए कि क्यों ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है। देखिए दिल्ली में आंदोलन पिछले 18 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली के किसानों ने देखा कि सरकार ने 5 बार चर्चा की और उस चर्चा में जो मुख्य मांग है कि तीनों कानून रद्द करो उसको सरकार हाथ नहीं लगा रही और टूटे फूटे संशोधन ला रही और इसलिए आंदोलन को तीव्र करने की घोषणा हुई। 12 तारीख को रिलायंस अदानी अंबानी जियो पर बहिष्कार का ऐलान किया गया और आज 14 तारीख को पूरे देश के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ये धरना आंदोलन है। इसको बड़े पैमाने पर देश के तमाम विरोधी पार्टियों ने BJP छोड़कर तमाम 24 विरोधी पार्टियों ने इसको समर्थन दिया। जिस तरह से ये जो समर्थन दिया हम और भी कुछ यहाँ पे नेता बने कार्यकर्ता उसी तरह से आप बताइए। हम इस काले बिल के खिलाफ है। ये जमाखोरी का कानून है, ये प्राइवेट मंडी का कानून है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, ये MSP निकालने का कानून है। ये किसान को गरीब करेगा और उसके हाथ से उसकी जमीन पैसा उसकी कीमत सब छीन लेगा। कृषि प्रधान देश है ऐसा कहा जाता है मगर जिस प्रकार से किसानों की जो हालत बनी हुई है वो देखने लायक है क्योंकि तमाम कार्यकर्ता आंदोलनकारी यहाँ पे मौजूद है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं वंचित के तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट बाड़ा साहब अम्बेडकर इनके कहने के मुताबिक हम इस काले बिल के विरोध में है और जब तक संसद का विशेष सत्र बुला के ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक हम किसानों के साथ में है, आम आदमी के साथ में। धन्यवाद। मैं जनता दल सेकुर का प्रतिनिधि हूं। हमारे अध्यक्ष माननीय देवगौड़ा जी जो खुद किसान हैं उन्होंने आज कई अपने जब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कई किसानों के हित में निर्णय लिए मगर ये जो मोदी सरकार आई है जब से सरकार आई है आज तक कई पब्लिक सेक्टर को उन्होंने नीलाम किया। अब जो बचा कुचा था हमारा जो देश कृषि आधारित है उसको वो लोग छेड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और अदानी और अंबानी को बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उसका घोर विरोध करते हैं और इसके लिए अंतिम समय तक हम लोग संघर्ष करते रहे। सर ये सॉलिडारिटी टू द फार्मर्स, आज 18 दिन से फार्मर्स खड़े हुए हैं दिल्ली में और वो उनको जो सताने का काम गवर्नमेंट कर रही है, आज अरविंद जी ने अनशन रखा है, किसानों ने अनशन रखा है तो उनकी भी सॉलिडारिटी में हम लोगों ने भी यहाँ पे अनशन रखा हुआ है काला कानून को रद्द करने के। ये जो बिल लाया है सरकार ने किसानों के एक काला कानून है, हमारी एक ही मांग है कि ये काला कानून रद्द किया जाए। इतने इसीलिए हमने यहाँ पर एक दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है तो यहाँ भी हमने सभी BJP के खिलाफ में और RSS के खिलाफ में जितने भी नागपुर शहर के लोग जितने संगठन जितनी पार्टियाँ आ सकती उन सबको यहाँ बुलाए। ये जो कानून है जिस देश का अन्नदाता आज खुद अन्न त्याग कर रहा है ये है महत्वपूर्ण बात। ये तीन कानून के तहत इस देश की जनता को और इस देश के किसान को उनकी पीढ़ियों को गुलाम करने के तीनों कानून है। MSP कानून नहीं है फिर भी एक शेल्टर जो रहता है किसानों के लिए रहता है उसे को कानून में इंक्लूड करना चाहिए। जमाखोरी की एक मुभा इन लोगों ने भांडवलदारों को दी है यानी इस देश के किसान को लूटने की पूरी छूट इस कानून के तहत
इस सरकार ने दिए, इसका विरोध करते ये तीनों काले कानून सरकार ने वापस करने चाहिए। इस मांग को लेकर हम यहाँ आज बैठे हैं। मैं माधव बंडे एसोसिएशन की ओर से ये जो तीन कानून लाए गए हैं, इसको किसी भी किसान संगठन से बातचीत नहीं की गई थी, ये शर्म की बात है। और यहाँ पे जो लाए गए ये कानून, यहाँ जो होता है कि स्वामीनाथन कमीशन के तहत वहाँ पे कानून लाना था, किसानों को उसके उपज के ऊपर डेढ़ गुना भाव देना था, खेत मजदूरों को किमान वेतन लागू करना था, बिजली बिल वापस लेने के लिए जो 2020 लाया है। अब ये बताइए कि अगर सरकार ने आपके मांगों को दरकिनार किया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? ये हमारी रणनीति रहेगी, ये संयुक्त इसमें किया जाएगा, ऑल इंडिया लेवल पे कॉल आएगा। नागपुर में हम आने वाले दिनों में रास्ता रोको जाम करेंगे, रेलवे रोको भी ये करेंगे, ये लंबी लड़ाई होगी। बस्ती बस्ती में जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे। संयुक्त आंदोलन ये होगा, ये किसी एक पार्टी का नहीं होगा। इस आंदोलन का जो परिणाम हो रहा है वो मोदी को दिख नहीं रहा। ऑल इंडिया फॉर ब्लॉक मोदी सरकार का निषेध करता है। दूसरी ओर ये बात है कि किसान दिल्ली में इतने दिन से 20 दिन से बैठे हैं, परंतु उनको देखने नहीं गए, खेत की बात है। और अम्बानी को नाती हुआ तो उनको देखने गए, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे देश के अन्नदाता ने अन्न का त्याग किया है और मोदी सरकार हमका अहंकार नहीं छोड़ने तैयार है। मोदी सरकार ने अहंकार छोड़ के हमारे अन्नदाताओं की मांग पूरी करनी चाहिए और अपना जो तीन काला कानून है वो वापस लेना चाहिए, यही हम आम आदमी पार्टी की ओर से दरख्वास्त है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा यहाँ पे बड़ा आंदोलन छेड़ा गया है। सैकड़ों की संख्या में ये तमाम लोग, ये आंदोलनकारी यहाँ पे आए हुए हैं अपने मांगों को लेकर। लेकिन देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इनकी मांगों को दरकिनार करती है या इसे समझ पाती है, क्योंकि जिस प्रकार से देश का किसान तिल तिल मर रहा है, भारत एक कृषि प्रधान देश है ऐसा बार बार कहा जाता है, लेकिन देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये एक सोचने वाली बात है, क्या देश का किसान आज़ाद है या फिर ऐसे ही तीन कानूनों के बादलों में साए में वो घूम रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ध्यान दे, जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी करे, ऐसी मांग ये किसानों ने की है और इस तरह पूरे भारतवर्ष की निगाहें लगी हुई है। संविधान चौक से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज़ नागपुर।